अजीत पवार की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है कि एनसीपी में जो विवाद चल रहा है वो दरअसल इस पर उन्होंने चुप्पी तोड़ी और कहा कि मैं पूरी तरह से एनसीपी के साथ हूं, मैं कहीं नहीं गया हूं। इससे पहले शरद पवार ने भी कहा था कि अजीत पवार जो है वो पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं और फिलहाल बड़ी खबर यह है कि एनसीपी में मैं हूं और यहीं पर रहूंगा। ये एक बड़ी बात जो है ये कही गई है, एनसीपी के हर फैसले में साथ हूं, अजीत पवार की तरफ से ये बड़ा जवाब जो है ये दिया गया है। बीजेपी में जाने की अटकलों पर जवाब जो है वो दिया गया है अजीत पवार की तरफ से। तो फिलहाल बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि अजीत पवार ने कहा कि मैं एनसीपी में था और एनसीपी में ही रहूंगा। एक बार फिर आपको बता दें, लगातार खबरें चल रही थी कि बीजेपी के संपर्क में हैं 30 से 35 विधायक जो हैं वो संपर्क में हैं, लेकिन अब अजीत पवार की तरफ से ये बड़ी टिप्पणी आई है कि मैं एनसीपी में था, एनसीपी में हूं और एनसीपी के हर फैसले में साथ रहूंगा। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, मध्ये महाविकास आघाडीची सभा असताना आम्ही सगळेजण नागपूरला गेलेलो होतो। नागपूरवरून परत येताना उद्धव ठाकरे साहेबांना मी विनंती केली की तुम्ही विमान घेऊन आलेला आहात तर त्याच्यामध्ये जागा आहे का, ते म्हणले चला बरोबर। आम्ही त्यांच्या बरोबर आलो मी आणि आल्यानंतर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार अप्पासाहेब धर्माधिकारी साहेबांना द्यायचा निर्णय झालेला होता आणि तो कार्यक्रम होत असताना मोठ्या प्रमाणावर स्त्री सदस्य हे त्याच्यामध्ये जखमी झाले। जखमी झाले म्हणजे त्यांना त्रास झाला उष्माघाताचा आणि त्याच्यामध्ये काही जण बेशुद्ध झाले, काही जणांना स्वतःचे प्राण गमवावे लागले, अशा प्रकारच्या हे सगळ्या गोष्टी घडल्या। म्हणून आम्ही तिथूनच डायरेक्ट पनवेलच्या एमजीएम हॉस्पिटलमध्ये गेलो। त्याच्यानंतर मग उद्धव ठाकरे साहेब म्हणले की जो इन्होंने जिसके बारे में ट्वीट भी किया था उसका जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से वो कल एमजीएम अस्पताल गए थे जहां पर कि कई सारे लोगों की मौत हुई थी हीट स्ट्रोक की वजह से। मोठ्या प्रमाणावर लोकांच्यावर ज्यावेळेस येतं त्यावेळेस त्यांना आधार देण्याची आपली संस्कृती आपली परंपरा आहे। वास्तविक त्याच्यामध्ये जी काही संवेदनशीलता सरकारने दाखवायला पाहिजे होती तिथं सरकार कुठेतरी कमी पडलं आणि त्याच्यामुळे निष्पाप लोकांचा बळी गेला। वास्तविक एवढ्या उन्हामध्ये कार्यक्रम घ्यायचं कारण नव्हतं, 4 वाजता देखील कार्यक्रम घेता आला असता, किंवा अप्पासाहेब धर्माधिकाऱ्यांचा कार्यक्रम कुठेही असला तरी जे काही श्रोते वर्ग येतो किंवा स्त्री सदस्य येतात ते मोठ्या संख्येने येतात, म्हणजे त्या कार्यक्रमाला तर आदल्या दिवशी देखील काही लोक आलेले आपल्या पाहण्यात आले असतील। त्याच्यावर 9 वाजता कार्यक्रम घेतला असता तरी 9 ते 11 कार्यक्रम झाला असता, 11 वाजता एवढे काही उन्हाची तीव्रता राहत नाही जी नंतरच्या काळामध्ये 37, 38, 39, 40 पर्यंत टेम्परेचर वाढतं। आणि मग आम्ही त्या सगळ्यांना भेटलो, त्याच्या संदर्भामध्ये आम्हाला कुठल्याही प्रकारचं राजकारण करायचं नाही, परंतु महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराच्या करता 13-13, 14-14, 15-15 कोटी रुपये खर्च केला जातो। मग एवढा पैसा खर्च केलेला होता तर मग मंडप घालायला कोणी त्यांना थांबवलेलं होतं, चांगल्या पद्धतीनं भव्य दिव्य अशा प्रकारचा मंडप टाकायचा होता, काही बिघडलं नसतं। तुम्ही माणसांच्या जीवाशी का खेळता आणि त्याच्यातून जर महाराष्ट्र पुरस्कार द्यायचा होता तर तो महाराष्ट्रातल्या 13.5 कोटी जनतेच्या वतीनं द्यायचा, उन्हाळा होता तर एक तर तुम्हाला करता आलं असतं की जरा पावसाळा सुरू होतो त्यावेळेस ढगाळ वातावरण असतं त्यावेळेस घ्यायचा, किंवा राजभवनला जो महत्वाचा हॉल आहे तिथं त्या हॉलमध्ये देखील घेतला असता तरी चालला असता, किंवा बंदिस्त हॉलमध्ये देखील आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर मला वाटतं जिओ वगैरेच्या ठिकाणी तर 10-10 हजार कितीतरी हजार लोक बसू शकतात असे हॉल अतिशय चांगल्या प्रकारचे केलेले आहेत। पण ते निष्काळजीपणा अतिशय नडला आणि त्याच्यामध्ये सरकारचं ते अपयश होतं ही पण वस्तू। पवार ये बात तो कह दी है कि वो एनसीपी छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस में करने जा रहे हैं, साथ ही में उन्होंने इस बात को भी उठाया है कि जो नवी मुंबई में संडे के दिन इंसिडेंट हुआ था जिसमें गृह मंत्री अमित शाह थे, उस प्रोग्राम में संत लोग की वजह से 13 लोगों की मृत्यु हुई थी, उसमें सरकार का कहीं ना कहीं एक तरह से फेलियर है और उसी को चलते उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र भी लिखा है। कहीं ना कहीं अजीत पवार जिन पर ये नजर है कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, उनका ऐसा कहना है कि इस बातों में किसी भी तरीके का तथ्य सामने नहीं आया है। उन्होंने महाविकास आघाड़ी के साथ
नागपुर में इस संडे को ही एक सभा ली है। उस सभा में सभी साथ में थे और वो मुंबई आते वक्त उद्धव ठाकरे के साथ प्लेन में मुंबई आए थे और वहाँ पे मुंबई हॉस्पिटल में जाके जो लोग हादसे में जख्मी हुए थे उनसे जाकर मिले थे। अजीत पवार का यही कहना है कि जो जो अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट ने नवंबर का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिसमें लोगों की मृत्यु हुई है, तो इन सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है इसकी एक तरह से इन्वेस्टिगेशन कर इस पर एक्शन लेना चाहिए। कहीं ना कहीं अजीत पवार जो है वो पूरी तरह से इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि जो इंसिडेंट संडे के दिन हुआ उस पर एक्शन होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज ये प्रोग्राम था जिसमें ये इंसिडेंट हुआ है और पहले ही उन्होंने जब शुरू की है। तो राजीव अजीत प्रवाह यहाँ पर लगातार ये कह रहे हैं कि ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं, क्योंकि क्या वो नंबर उनके पास नहीं है, क्या वो सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि 35 से कम अगर जाते हैं तो दल बदल कानून भी लग सकता है, विधायक की जा सकती है, तो बहुत सारे पहलू हैं जिस पर चर्चा चल रही होगी। लेकिन अजीत पवार का ऐसे गायब हो जाना, कई मीटिंग में ना आना, हर बार चौंकाता जरूर है और इसीलिए ये कयास भी लगाए जा रहे थे यहाँ। बिल्कुल।